हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बिंदास में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन करेंगे। मैंने सिंपल में भी टफ क्वेश्चन ही लिया है कि आप इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर सकेंगे। अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे इसी मेथड से तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको टेबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपको थोरली 20 तक के आप टेबल याद कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोज़ आपको कराऊँगा, और लाइक भी करिएगा वीडियोज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 × 11। फ्रेंड्स सबसे पहले करना कुछ नहीं है, माइंड में ही सेटअप करना है कि हमें पहले डिजिट को छोड़ दीजिए, हमेशा सेकेंड वाले डिजिट को हमें फैक्टराइज करना है। कैसे? 11 को जैसे हम लिख सकते हैं 10 + 1, ठीक है? तो 10 + 1 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन है। देखते हैं कैसे करते हैं। सिंपल हमने 11 को तोड़ दिया है 10 + 1 में, फिर क्या करना है? सिंपल अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देना है 19 को। 19 + 19 आ जाएगा। फिर एडिशन आपको पता ही है कैसे करते हैं, एडिशन कर दीजिए जल्दी से। 209 इज आंसर। फ्रेंड्स ये सब चीज़ आपको, जैसे ये आपने 10 + 1 किया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप माइंड में ही ये इतना आप बना सकते थे। और सिंपल इसको ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ता बहुत, अगर होता तो हमेशा आप याद करिए कि मतलब जो सेकेंड डिजिट है उसको आप कैसे लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 22 × 23। यहाँ पर देखिएगा मैंने एक केस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं जल्दी जल्दी आपको नए नए चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, इसमें मैंने इसी के 2-3 क्वेश्चन नहीं किए। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसमें 23 आ गया, ये सिंगल डिजिट सॉरी 10 के बाद वाला था, ये 20 के बाद वाला। इसको कैसे करते हैं? तो सिंपल है इसका भी, आप पहले एक बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि इसमें बाद में कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो। तो 10 × 2 ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए +3, ये हमने लीनियर फॉर्म लेते हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 20 + 3 = 23 आएगा। इसको आप फिर फर्दर कैलकुलेट करिए, 22 को अंदर ले जाएंगे, 220 × 2 ब्रैकेट इसका रखिए +66, आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी 440 + 66, ऐड कर दीजिए 506। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी रहेगा। अगर ये चीज़ तो अभी हम लिख रहे हैं तो हमारा 10 सेकंड तक वेस्ट हो रहा है, अगर हम ये हम माइंड में ये चीज़ कर लेंगे, जैसे 10 × 20 होता है तो 220 × 2 तो 440 तक हमने यहाँ कर लिया, फिर 3 बच रहा है, 3 × 22 कर लेंगे 66 को, 440 और 440 + 66 ऐड करके सीधे आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा कम से कम अगर ये चीज़ कैलकुलेट करने में हमें 50 सेकेंड लग रहे हैं तो हम एटलीस्ट 15 सेकेंड में ये कर सकते हैं, हमारा टाइम बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 × 66। तो फ्रेंड्स 14 × 66 को सिंपल फैक्टराइज करते हैं। सॉरी इसको कर लिया, अब सिंपल इसको हम 14 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करिए, 140 × 6 इसका ब्रैकेट रखेंगे, ये 14 × 6 सिंपल सा है फ्रेंड्स। आप ज़्यादा आपको वो होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, सिंपल इसका हो जाएगा 840
इसका हो जाएगा 84, ऐड कर दीजिए आप 924। सिंपल सा है, आपको इतनी जल्दी आंसर मिलेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। और भी ट्रिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन की, पर उसको रिमाइंड करना जो हम बेसिकली करते आ रहे हैं वो उसी पर अगर हम कमांड अच्छी कर लें तो वही बेहतर है। नए नए ट्रिक्स यूज़ करने में कभी कभी भूल जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे, फिर हम अपना बेसिक सा फंडा ही इस्तेमाल करते हैं कि नहीं चलो फिर ऐसे ही करते, नहीं तो कुछ कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा। तो ये वाला काफ़ी अच्छा है ये मेथड जल्दी जल्दी करने में, माइंड में ही होता है ये, यहाँ तक तो आप माइंड में कर ही लेंगे फ्रेंड्स। फिर एडिशन आपको बहुत होगा तो आप ये इसका ये कर लिया तो आपने एडिशन लिखा, एडिशन के लिए 84 लिखा, सीधे आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट करते हैं 99 × 121। इसको हम दो मेथड से करेंगे फ्रेंड्स, पहले अपना जो मेथड चलता आ रहा उसी से करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 121 को हमें मतलब कि तोड़ना है, तो 100 प्लस 10 × 2, इसको ब्रैकेट में रखा है प्लस 1, तो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 120 आएगा, प्लस 1 कर देंगे 121। 100, अब इसको देखिए कितना इजी हो गया मल्टीप्लाई करना, 99 × 100 9900, प्लस देखिए 99 × 10 990 × 2, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे जैसे हम ऊपर ब्रैकेट रखा हुआ बड़ा ब्रैकेट खोल रहे हैं, 99 × 1 ये प्लस में है 99। सिंपल सा है फ्रेंड्स, आप इसको ऐड कर दीजिए सीधे आंसर आ जाएगा आपका 9711979। आपको कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है, सीधे आपका होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78 × 89। फ्रेंड्स इसको मैंने बताया था कि मैं दूसरे तरीके से भी करूँगा, अगर आप ज़्यादा कमांड आ गया आपको मल्टीप्लिकेशन पे तो कैसे आप इसको इजीली तरीके से, जैसे कि इसको हमने इतना लिखा ये सिर्फ दो स्टेप में आंसर आएगा, कैसे आएगा देखिए। 99 यहाँ पर 99 है, ये किससे किसके पास में, 100 के पास में, अगर हम इसको लिख देते हैं 100 − 1 × 121 कितना ईजी हो गया, 1 2 1 00 − 1 2 1, सीधे माइनस करना है, हमारा आंसर यही आएगा, ये हमारा दो लाइन में आंसर आएगा। तो यही जरूरी नहीं है कि हम ऐड करके ही आंसर निकाल सकते हैं, हम मल्टीप्लाई सॉरी सब्सट्रैक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, सेकंड फर्स्ट इससे कोई मैटर नहीं करता है, आप बस रूल को अच्छे से फॉलो करिए। किसी को अगर तोड़ रहे हैं तो उसको ऐसा तोड़िए कि वो ऐड करने पे या माइनस करने पे वही आंसर आ रहा हो जो उसमें दिया हो, जैसे 121 को तोड़ा हमने तो ये फैक्टराइज हमें 121 ऐड करने पे आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 78 × 89। इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, पहला इसको हम 78 × 10 × 8 प्लस 89 अब 78 × 10 780 × 8 प्लस 78 × 9 ये हो जाएगा, फिर सीधे इसको मल्टीप्लाई करिए 6240 प्लस 702, ऐड कर देते हैं सीधे 6942 ये आंसर आ जाएगा। सीधे हमें क्या करना है कि इसको फैक्टर करके सिंपल तरीके में करना है कि 10 × 8 प्लस 9 89 हो ही जाएगा, फिर 78 को इंटू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट तरीका इसका जो है इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं 78 × 90 − 1 देखिए इसको हम 90 − 1 करेंगे तब भी 89 ही आएगा, करते हैं आगे क्या करते हैं इसका 10 × 8 किया था, 10 × 9 हो गया और ये −1 कितना आया सीधे 780 ×
9 - 78। हमारी एक प्रोसेस सेम रहेगा, स्टेप सेम आएगा, मगर एक तरीके से इजी हो जाएगा कि हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधे 9 से मल्टीप्लाई करके -78 कर देना है। आंसर आएगा हमारा 6942। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स आगे फर्दर मैंने इजी क्वेश्चंस लिए ही नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। देखिए 77 × 80 इसको करेंगे। सिंपल 77 × हम फैक्टराइज कर देंगे, यहाँ पर कोई भी डिजिट प्लस नहीं होगी क्योंकि 8 × 10 80 होता है, सीधे लिख देंगे ऐसे, और आंसर हमारा 9 देखते हैं। आपकी अगर कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर आप एक दो स्टेप तो आपको माइंड में आप कर ही लेंगे। 77 × 89 इसको फ्रेंड्स देखते हैं कैसे फैक्ट करते हैं। सीधे इसको फैक्टराइज कर दिया, फिर 77 × 10 तो ये 770 × 8 प्लस 77 × 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6160 आ जाएगा प्लस 693 ऐड कर दीजिए सीधे 6853 आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको सिर्फ छोटे छोटे जैसे 20 तक अगर आपने टेबल याद कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एडिशन आपको सिर्फ करनी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं 15 × 25। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, 10 × 2 प्लस 5 ये 1 है, 150 × 2 प्लस 15 × 5 300 प्लस 375 आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप कितनी जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हैं, अगर इसी टाइप में आप हर कैलकुलेशन करेंगे तो आप पक्का, मैं कह रहा हूँ कि आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे और सीधे एडिशन करके आंसर निकाल देंगे। अब देखते हैं, हमने दो डिजिट्स के मल्टीप्लाई करके देख लिए, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। अब ये 4 डिजिट से एक पहला वाला 4 डिजिट है और ये 789 3 डिजिट है, तो इसको कैसे करेंगे आप सिंपल देखते हैं। मैंने जो इसको जल्दी करने का तरीका सिखाया था आपको, आप बड़ा वाला डिजिट अगर आपको ब्रेक करना है वो कर दीजिए, छोटा वाला करना है छोटा वाला कर दीजिए। चलिए पहले 1189 करते हैं, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। थाउजेंड प्लस 100 प्लस, अब 89 जो है उसमें थोड़ा आपको ट्रिक आजमाना पड़ेगा कि 10 × 8 प्लस 9 सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 789000 प्लस 789000 ये हमारा प्लस 789000 × 8 प्लस 789 × 9 आप एडिशन कर दीजिए, इसका आ जाएगा 6312077101 मल्टीप्लाई करके सीधे ऐड कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाना है 9381211।
ऐड करना है सीधे और आंसर निकाल देना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स समझ में आई होगी और काफ़ी यूज़फुल रही होगी। उम्मीद है आप मेरा वीडियो लाइक करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस को देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।